नो, 2013 में सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर पास किया था जिससे कि हमारे देश में हर वेंडर के हक को संरक्षण मिला था। हर वेंडर यानी कि जो कोई भी या तो सब्जी बेच रहा हो या चल के कुछ बेच रहा हो, चाहे वो स्थाई हो एक जगह पर, चाहे वो चल के कहीं जा रहा हो, चाहे उसके छोटे मोटे दुकान भी हो। पहले ना वो अगर कोई कुछ भी बना हो तो उसको तोड़ देते थे, तो वो भी बिल्कुल अलाउड था, मतलब उनको हटाना नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट ऑर्डर था कि किसी भी बंदे को हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक नया कानून आना चाहिए जिससे कि वेंडर्स का संरक्षण हो, ऐसा नहीं कि वेंडर्स को हटाया जाए। तो एक तरीका है, और पूरा सर्वे होने के बाद सबको एक मतलब सबका सर्वे होने के बाद, उसके बाद अगर कोई किसी भी कानून का उल्लंघन करे तब जाके अगर देखा जाए तो पहले नोटिस देकर, 30 दिन का नोटिस देकर, और एक अच्छे मतलब एक मतलब बिल्कुल स्वाभिमानिक ढंग से अगर हटाना है विद डिग्निटी, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को बस इधर से उधर हटाया जाए, उनके इनकी रोज़गार छीनी जाए उनसे, ऐसा बिल्कुल मना किया था, उस पर बिल्कुल रोक डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने भी। और उसके बाद जो कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहा था कि ये सब कानून में होगा क्योंकि एक नेशनल पॉलिसी था। अब नेशनल पॉलिसी 2009 के तहत नया कानून 2014 में बना है, 1/5/2014 में। उस कानून में तो बिल्कुल स्पष्ट है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 33 है। सेक्शन 33 ये कहती है कि ये कानून बाकी सब ऑर्डर्स और बाकी सब कानून, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का कानून हो, जो भी कानून हो, उस उन कानूनों से सबसे ऊपर है ये वाला कानून, ये कानून लागू है। ये था 1/5/2014 वाला कानून जिसमें ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा जाए उनके संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया था, सेक्शन 33 के तहत। सेक्शन 3 के तहत हर स्ट्रीट वेंडर का सर्वे होगा, कोई भी स्ट्रीट वेंडर हटाया नहीं जाएगा जब तक सर्वे नहीं होगा और जब तक उसको रजिस्टर ना किया जाए। पहले तो रजिस्ट्रेशन एक हक बन गया है इसके तहत, पहले सर्वे कि भाई हाँ आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका सर्वे होगा, फिर आपका पता नाम सारे डिटेल्स, फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। उसके बाद ये सब सिलसिला होने के बाद सारे, और ये हर 5 साल होता, उसके बाद क्या होगा कि टाउन वेंडिंग कमेटी जो कि वेंडर्स जिसमें 22% वेंडर्स भी हैं, वो लोग बैठ के, नहीं 22% नहीं, 30% वेंडर्स हैं, वो लोग बैठ के म्यूनिसिपैलिटी के साथ बैठ के देखेगी कि सारे शहर में कहाँ पे वेंडिंग जोन होना चाहिए, कहाँ पे नो वेंडिंग जोन होना चाहिए। तो लोगों को एक जगह से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन और बहुत ही ज़रूरी है किसी चीज़ वजह से तो हटा के, नो वेंडिंग जोन से हटा के वेंडिंग जोन में लगा रखे जाएंगे वेंडर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हो क्या रहा है उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के बनने से पहले ही कह रहे हैं कि ये नो वेंडिंग एरिया है, तो पूरा उल्टा पुल्टा करके बहुत लोगों को हटाया जा रहा है। अब जब टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई है दिल्ली सरकार के तहत, एक चीज़ तो ये हो सकता है कि जो भी हटाए गए हैं आप जाके टाउन वेंडिंग कमेटी के सामने प्रस्ताव रखिए कि हम वहाँ पे बैठे थे तो सर्वे के तहत हमारा नाम आना चाहिए, एक तो ये है बिकॉज ये कानून के तहत है। और अगर वो ना माने तो उसके बाद ज़रूर अपील करें, आप वकीलों से कंसल्ट भी करें, और उसके बाद आपको फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जा सकते हैं। हम जानते हैं कि कोर्ट जाना आसान नहीं है, और ये बार बार जाने जाने के मतलब कोर्ट्स चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती थी कि आपको बार बार कोर्ट जाना ना पड़े, बिकॉज़ किसी को टाइम निकाल के सारा दिन का दिहाड़ी कैंसिल करके कोर्ट में बैठना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना हक जताना है, और जब आपके हक अभी छीने गए हैं आपके हाथ से, तो आप ज़रूर ये कीजिएगा कि जो लोग हैं वो अगर आपके पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं तो ज़रूर टाउन वेंडिंग कमेटी के सामने ये बता दीजिए कि भाई ये ऑर्डर हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से प्रस्तुत कीजिए। जिनको हटाया गया है, और वो भी हर बार जब हटाया गया है तो ऑर्डर्स में ये लिखा गया कि हाँ आप टाउन वेंडिंग कमेटी के सामने जा सकते हैं, तो उसका फ़ायदा भी उठाइए, क्योंकि हालांकि कोर्ट को संरक्षण करना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो
तो आप टाउन वेंडिंग कमेटी के सामने जाके बोलिए कि भाई हम इतने साल से बैठे हैं तो आपको सर्वे के तहत हमको गिनना चाहिए, क्योंकि हम एक एग्जिस्टिंग वेंडर है, यानी कि हम थे वहाँ पे जब हम हटाए गए थे, जब ये एक्ट लागू हुआ था, तो आप हमें रखिए या तो वहीं पे अगर वो वेंडिंग एरिया है, नहीं तो अगर आप 2.5% या 2.5% के तहत जितने लोग आते हैं ना, वो लॉट ड्रॉ ऑफ लॉट्स के तहत होगा, तो आसपास के जगह में, मगर ये एक पार्टिसिपेटिव चीज़ होना चाहिए। मतलब हम लोग आपको सुझाव, हमारे सुझाव सुनने, मतलब आपको सुनना चाहिए और उसके बेसिस आपको हमें हमारे आमदनी को हमें वापस चाहिए। और लाजपत नगर में ये गलती से कोर्ट ने बोला है, क्योंकि वहाँ के मार्केट एसोसिएशन ने जाके किसी पुराने 20 साल पहले या 17 साल पहले के बम ब्लास्ट के बारे में बात करके पूरा जजमेंट उसी केस में, वहाँ पे तो अब कुछ पार्किंग होती भी नहीं है, वहाँ पे स्कूटर में था बम ब्लास्ट, और उन्होंने रिपोर्ट भी छुपाया था, क्योंकि रिपोर्ट में तो ये लिखा गया था कि दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट किया था, उसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन था। अभी तो पूरा वो पेडेस्ट्रियनाइज हो गया, वहाँ पे तो चल ही सकते हैं, कोई गाड़ी अंदर जा भी नहीं सकता, तो हालात बदल चुके हैं। तो टाउन वेंडिंग कमेटी को पुष्पा मार्केट को दोबारा वहाँ पे वेंडिंग एरिया बनाना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया इसका मतलब ये नहीं है, बस हाईकोर्ट में उस ऑर्डर में लिखा भी गया है कि हमने अपना ऑर्डर तो पास किया है, लेकिन अब टाउन वेंडिंग कमेटी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। तो आप लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी में वेंडर्स को भी टाउन वेंडिंग कमेटी को ये याद दिलाना चाहिए कि भाई ये आपको सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डर के नहीं रहना है, आपको अभी का जो कानून है उसके तहत जाना है, क्योंकि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। तो कोई गलत ऑर्डर भी हो तो उसका मतलब नहीं है कि आप उसी ऑर्डर के पीछे पीछे जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन आस्किंग फॉर इज बिकॉज द वेंडर्स ऑल्सो डोंट हैव एक्सेस टू दैट मच ऑफ अवेयरनेस, वी हैव बीन सेइंग रेगुलेट देम, गिव देम ट्रेनिंग, यू नो। सो दैट वॉज हैपनिंग इन अ बिग वे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। So we said that why don't you have training, because when you have a new law it has to be implemented, it takes time, it is not by beating people up that you get the law implemented, but the problem is that the authorities have another axe to grind, you know, so therefore you will never have this problem. It is very difficult to have this problem sorted, but with constant pressure at some point they have to. So the funny thing is, on paper we have great things written down. Look at the street vendors law, and internationally they're all looking to India, oh wow, you're implementing a street vendors act and all that, but on the ground there is a huge resistance to it being implemented. That's the thing. I would say that it's extremely important to have training and sensitization of everybody who is involved in implementation of this act. By that I mean specifically the municipal authority, the town vending committee, the vendors themselves, then the courts at every stage, so the high court judges as well as the supreme court judges. Without that, this act is not going to be implemented, because there is so much of miscommunication about street vendors, so there's a lot of resistance, because you tend to see certain aspects about them which are deliberately created by the authorities. Mm-hmm. So the dirt and the filth and all of that, rather than the, you know, what they're actually doing for you. So it's always seen as something that is, you know, slightly surreptitious, illegal, something that is just about tolerated. Oh, and it's not like a world-class city ought to be. Not realizing that the street vendors, apart from doing all what I have mentioned, they're also the eyes and ears of the city. So the security of the city also improves hugely, and hugely beneficial as well. They are earning their livelihoods, and you can get things that are very, very inexpensive, and you know, you have a wide variety to choose from. You can call it consummation, the consumption, the way it's done by sitting and bargaining, negotiating with a vendor that you will never get in a store. Even in the US and all, a lot of people are moving from massive malls to, you know, the local mom and pop store or vendors and so on. So, yeah, and why do we have to wait? You know, this is actually a very rich heritage that we have.
So in fact, even in the Street Vendors Act, any area which has been there for more than 50 years is supposed to be declared as a heritage market. Mm. I didn't mention that. So I'm just saying that we let's be proud of what we have. It's a kind of culture, right? Market. It's a culture, yeah. It's a way of life. So let's be proud of what we have. Let's try to utilize it. Let's try to actually help make it grow rather than constantly stamping on it and fighting. You know, fighting to let it be preserved. Yeah. So let's do that, and let's try to do what is lacking in it. Let's try to improve on that rather than just throw the baby with the bathwater. Thank you.